पालघर जिले के नालासोपारा में स्कूल प्रशासन की लापरवाही से छात्र की मौत। पालघर के नालासोपारा पूर्व के नवजीवन हाई स्कूल में स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना उस समय की है जब स्कूल प्रशासन द्वारा छात्रों को पिकनिक के लिए ठाणे के सूरज वाटर पार्क ले जाया गया, जहाँ 10वीं के दीपक गुप्ता नामक छात्र की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर फिर भी पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मृतक छात्र दीपक गुप्ता के परिजनों ने घटना पर नाराजगी दिखाते हुए स्कूल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर काफी हंगामा किया। चंद्रकांत गुप्ता, जो बच्चा मरा है वो आपका बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है दीपक गुप्ता। कौन से स्कूल में पढ़ता था? नवजीवन स्कूल, नवजीवन विद्यालय, नवजीवन। क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? मेरा बच्चा सही सलामत अच्छे से पिकनिक मनाने गया था नवजीवन स्कूल से। कभी गया था? कल गया था सुबह में। हाँ, और सर की पूरी जवाबदारी होता है मेरे बच्चे को संभालना। मैं बच्चे हाँ, और मैं सर को बोल दिया था कि सर मेरा बच्चा नहीं जाएगा, तो बोला जाए या नहीं जाए उनको पैसा भरना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम नहीं देने, एग्जाम नहीं देने देंगे। कौन बोला था ये? ये स्कूल मैनेजर, स्कूल मैन सर। आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? मेरे बच्चे ने बताया कि पापा मेरे को पैसा देना, नहीं तो सर मुझे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, और परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, और लिखो तो आपको, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ आपको फीस भरना पड़ेगा, मेरे को जाने दो। मैं बोला ठीक है। आपको बच्चे के साथ हादसा हुआ वो आपको कब मालूम पड़ा? मेरे को मालूम पड़ा 4 और 3:30 के बीच में। मैं साइट पे था, कामन में मेरा काम चल रहा था, उधर से फोन आया सर जी का कि आप फटाफट विद्यान हॉस्पिटल पहुँचो। बोला सर जी आप बताइए हुआ क्या? बोला नहीं आप पहुँचो। मैंने सबने डिक्शन लेके हमारे किसी भी आदमी का कोई भी सिग्नेचर या कुछ भी नहीं है, उनके ही टीचर्स, उनके ही पुलिस वाले, सब उनके ही, हमारे कुछ, मैं चाचा हूँ उनका, और जो भी है सब उन्होंने ही किया है। पोस्टमार्टम हमने कहा हमारे वडिल को आने दो, हमारे चाचा को आने दो, उसके बाद हम लोग करेंगे, बट उन्होंने तुरंत ही किया। और उनके पास, मैनेजमेंट के पास, उन्होंने वहाँ से सूरज वाटर पार्क से उन्होंने वो फुटेज निकाला, पर उनको वो फुटेज हमको दिखा नहीं रहे हैं। और हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से अपने कि उनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द, तब तक नहीं होगी हम अपने बॉडी को नहीं लेके जाएंगे कहीं भी, हम सीधी से जानते हैं बाकी कुछ नहीं। और अन्य छात्रों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जो है खेलने गया था उधर, मतलब इन लोग के केस से हो गया, जब हमारे इधर आया तो खत्म हो गया था। ओ वाटर पार्क, सूरज वाटर पार्क, थाने 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 17 साल, 16 साल का दसवीं पढ़ता था, 10वीं में। दीपक गुप्ता, बाप का नाम चंद्रकांत दयाराम गुप्ता, नवजीवन स्कूल विद्या मंदिर। स्कूल वाले किस हिसाब से लेके गए थे? स्कूल वाले इनके महीने में 4, इनका साल में 10 बार घूमने को होता है, जबरदस्ती बच्चे लोग को पैसा ले लेके बोले चलो पैसा जमा करो, 800 दो लेके चलो। इनका हमें मना करता था, लेकिन ये बोलते हैं लेके चलो जाओ, कर नहीं जाएगा तो कल से मैडम मारती है उसको, फेल कर देंगे, नहीं जाएगा तो फेल कर देती है, समझे? वो बोलते हैं नहीं जाएगा तो हम फेल, तुमको चलना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम फेल कर देंगे तुमको, जबरदस्ती करते हैं।
लेके जाना। ये हादसा हुआ है आपके साथ, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से जैसा पानी भी पिलाओ उसको, छोड़ो जरा। हमारे साथ घटना जो हुई है, ये स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करके रखो, इसको हमको नहीं पढ़ने का है। कोई बच्चा कोई फायदा, स्कूल बंद करो इसको। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करके स्कूल प्रशासन कैसे छोटे छोटे छात्र छात्राओं को पिकनिक पर लेकर गए। पेश है नाला सुपारा के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। बेटा आपका नाम? अंकित गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10। आपके साथ में क्या हुआ स्कूल में? हमें स्कूल में कंपल्सरी बोले थे पिकनिक जाने के लिए कि जाना ही जाना है, जाओ या मत जाओ, बट 700 रुपीज पे करना ही करना है। आप गए थे? जी नहीं, नहीं गया। तो फिर आपको डर नहीं लगा कि हमको ऐसा बोला है कि कुछ? नहीं, मैं आपसे एकदम से मार्क्स जाऊंगा। 20% मार्क्स का, 20% मार्क्स काटने का धमकी दी आपको सीधा? हाँ, कि मार्क्स भी काट सकते हैं। एकदम वो बड़े स्लाइडिंग में गया था, वो शायद डरा होगा तो उसमें से हमें बाहर आ गया। और कितने बहुत लोग थे, 10वीं के 9 के नीचे कितने लोग गिरे थे वो तो नहीं, मैंने बस उसको ही देखा। फिर गिरने के बाद में क्या हुआ होगा? तब फिर मैं आगे चला गया। अब जो लोग बोल रहे हैं कि स्कूल वाले आपके ऊपर दबाव डालते हैं, तो किस तरह का दबाव डालते हैं? क्या पिकनिक का फीस नहीं भरोगे ना तो फीस में से काटने को बोलते हैं, बोलते तुम लोग जाओ या मत जाओ, फीस में से काट देंगे और 9th फेल कर देंगे। कौन बोलता है? ये रोहित सर और नौजवान स्कूल में आप गए थे क्या? ऐसा कुछ बोला था कि आप नहीं जा रहे हो? आपका हम लोग को बोले थे कि हम लोग काट लेंगे। कौन बोला था ये? अर्चना मिश्र और रोहित सर। प्रिंसिपल नाम? अर्चना मिश्र और रोहित सर।